الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا صدق الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها وهي له نجاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے میرے واجب الاحترام معززین مکرمین محترمین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آج انشاءاللہ العزیز جس عنوان کو اپنے دامن سخن میں محفوظ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ عنوان ہے اللہ رب العزت کی توحید کی برکات کیا ہیں اللہ رب العزت کی توحید کی برکات ہمیں کہاں کہاں نظر آئیں گی اسی عنوان پہ چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں مجھے احساس ہے کہ آج موسم کی شدت اور بجلی کا ہمارے ساتھ یہ معاملہ لیکن دعا ہے اللہ ہم سب کو آخرت کی گرمی سے اور اس کی شدت سے محفوظ فرما لے یہ دنیا تو گزر جائے گی وہ نہ گزرنے والی زندگی ہے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے اس گرمی کی شدت سے محفوظ فرما لے سامعین ذی وقار قرآن مجید فرقان حمید اس کی عظمت کو بھی بیان کیا جاتا ہے اس کی شان کو بھی بیان کیا جاتا ہے اور قرآن مجید کے پیغام کو بھی بیان کیا جاتا ہے قرآن کی عظمت ہو قرآن کی شان ہو اور قرآن کا پیغام ہو ہر ایک سے مقصد یہی نکلتا ہے کہ سننے والوں کے دل میں قرآن کی عظمت بیدار ہو جائے اگر قرآن کی عظمت سن کے قرآن کا مقام اور قرآن کا مرتبہ سن کے میرے اور آپ کے دل میں قرآن کی عظمت موجزن نہیں ہوتی ہمارے دل میں قرآن کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے نہیں مارتا تو پھر
कहना पड़ेगा कि कुरान मजीद से हमारी मोहब्बत का माहक्कू नहीं है। जब किसी से मोहब्बत हो जाए, जब किसी से प्यार हो जाए, तो उसकी बातें भी इंसान को प्यारी लगने लगती हैं। फिर इंसान मुंतज़िर रहता है कब मेरा महबूब बात करे, मैं अपने कान उस तरफ मुतवज्जे कर दूँ। जब मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत, आपके दिल में रब की मोहब्बत का चश्मा फूटने लगेगा, फिर जब भी कुरान की आज़मत सुनेंगे तो हमारे दिल में आएगा कि ये हमारे महबूब रब की कलाम है, ये हमारे महबूब की कलाम है। और ये वो कलाम है कि कायनात की सारी चीज़ें मखलूक हैं मगर कुरान मखलूक नहीं, कुरान रब्बे ज़ुल जलाल की सिफत है। जिस तरह रब की आज़मत आली शान, तो रब की सिफात में कुरान की आज़मत भी क्या होगी। ऐसे मैंने भी बयान नहीं करना, ऊँची आवाज़ से ज़रा बोले, कुरान की आज़मत भी क्या होगी। इस तरफ वाले मेरे भाई भी बोले, कुरान की आज़मत क्या होगी, आली शान होगी। आपने सिर्फ सुनना है और मैंने साथ सुनाना है। गर्मी मुझे भी बड़ी लग रही है, आपको भी, ज़रा बेदार हो जाएं। ईमान की गर्मी होगी तो ये दुनिया वाली हरारत हमें कुछ नहीं कहेगी। मेरा प्यार रब से है, मैं मुंतज़िर रहूँगा, मुझे दुकान से फुर्सत मिले मैं कुरान खोल के बैठ जाऊँ और अपने महबूब की कलाम को पढ़ना शुरू कर दूँ। मेरा प्यार रब्बे ज़ुल जलाल से है, मैं मुंतज़िर रहूँगा कि मुझे अपनी शबो रोज़ की मसरूफियात से कुछ वक़्त मिल जाए, मैं कुरान खोल के अपनी आँखों को ठंडा करने लगूँ कि ये मेरे महबूब की कलाम है। जब ये कैफियत मेरे और आपके दिल में होगी, फिर कुरान पढ़ते हुए मुझे और आपको वो लज्जत आएगी जिस लज्जत के साथ कोई मुकाबला नहीं हो सकता। कहो बेशक। अब आइए, कुरान मजीद का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, बस एक नुक्ते पे आज गुफ्तगू करेंगे। कुरान मजीद का सबसे बड़ा फ़ायदा, मेरा भाई उमर बैठा है, कुरान का हाफिज़ बना, मेरे नन्ने मुन्ने इस गुलशन के फूल बैठे हैं, आप जब हाफिज़े कुरान बनेंगे, मत सोचिए कि आर्मी चीफ़ की तरफ से आपको कोई ग्रांट मिलेगी, आपको एमएनए और एमपीए की तरफ से कोई ओहदा मिलेगा, हरगिज़ नहीं। आइए कुरान से पूछते हैं कि जब मेरे सीने में कुरान आया, मेरा कुरान से ताल्लुक़ बनने लगा, तो फिर मुझे सबसे पहला इनाम इस कुरान ने क्या देना है, वो क्या है। मैं बात करूं, अभी मेरी बात पूरी होने ना पाए, आपके ज़बान से बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह की गूंज आनी चाहिए। कुरान मजीद से हमें दुनिया की दौलत चाहे ना भी मिले, कुरान मजीद से मुझे बंगले और कोठियां ना भी मिलें, कुरान मजीद से मुझे दुनिया के ओहदे ना भी मिलें, मेरे भाई कुरान की सबसे बड़ी तासीर ये है कि जिस दिल में कुरान आने लगता है, अल्लाह उस दिल से शिर्क जैसी गंदी बीमारी को निकाल दिया करते हैं। ये कुरान की तासीर है। और इसी तासीर की वजह से कल क़ियामत के दिन मेज़ान रखा जाएगा, तराजू रखा जाएगा। अबू जहल को लाया गया, अबू लहब को लाया गया, चेक करो अबू जहल के कितने आमाल हैं। मंडियाला वालों, अबू जहल के नामे आमल से 64 हज का सवाब निकलेगा, अबू लहब के नामे आमल से बड़ी बड़ी नेकियां निकलेंगी। दाढ़ियाँ उन्होंने रखी हुई हैं, हाजियों की खिदमत वो करते हैं, तवाफ़ बैतुल्ला वो करते हैं, और बड़े नेकी के काम। यारो, इससे बड़ा नेकी का काम क्या होगा। एक मैं हूँ, आप हैं, मंडियाला की मस्जिदें तामीर करवा रहे हैं। अबू जहल वो था जिसने खाना काबा बैतुल्ला तामीर करवाया था,
मगर कोई फ़ायदा नहीं, कोई उसे नफ़ा नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि उसके दिल में शिर्क था, अकीदे में शिर्क वाली गंदी बीमारी थी और अमल के अंदर शिर्क वाले आमाल थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, मन कबील मिन्नी, ये जो मैं हदीस सुनाने लगा हूँ ये ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, मन कबील मिन्नी अलकलिमत अल्लती अरज़्तु अला अम्मी फरद्दहा वही अलहू निजातुन। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, नबी पाक के कौन से चचा ने आपकी परवरिश की थी? ऊँची आवाज़ से बोलें। मेरे नौजवानों को ये पूछें, फलां ऐप डाउनलोड करनी है तो कहाँ से होगी? जल्दी से बताएंगे, प्ले स्टोर में जाएं, ये करें वो करें। मैं हाथ बांध के कहूँगा, ज़रा इस्लामी मालूमात भी अपने दिल में रखा करें, अपनी इस मेमोरी में महफूज रखा करें। हम जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं, उस ज़माने के जो बच्चे थे वो भी इस्लाम के इंसाइक्लोपीडिया हुआ करते थे। नबी अलैहिस्सलाम के किस चचा ने परवरिश की थी? ऊंची आवाज़ से, अबू तालिब ने। अबू तालिब ने कोई छोटा काम किया? एक यतीम को पालना कितना बड़ा सवाब है। मेरे आका ने फरमाया, जो यतीम की किफालत करे क़यामत के दिन वो और मैं यूं इकट्ठे मैदान महशर में खड़े होंगे। यारो, जिस अबू तालिब ने रहमत दो आलम की ज़माने यतीमी में परवरिश की हो, बताओ उसका मकाम कितना होगा। मगर अबू तालिब को वो परवरिश काम, ऊँची आवाज़ से, वो परवरिश काम, वो किफालत काम, वो देखभाल काम नहीं आई। क्यों? आइए हदीस पैगंबर सुना रहा हूँ। फरमाया, मन कबील मिन्नी, जिस मेरे उम्मती ने मुझसे वो कलमा कबूल कर लिया जो कलमा मैंने चचा अबू तालिब पर पेश किया था, उसने इनकार कर दिया, रद्द कर दिया, जिस मेरे उम्मती ने उस कलमा को कबूल करके शिर्क से तौबा कर ली, अल्लाह उसे जहन्नम से निजात अता फरमा देंगे। वो यही कलमा है। कौन सा कलमा? जिस पे मेरे मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद है, जिस पे करारदाद पाकिस्तान है, इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ जिस कलमे की वजह से हमें मजबूर करता है कि हम अपनी जानों की भी परवाह नहीं करेंगे। इस मुल्क को जो कलमे के नाम पे बना था, अपनी जान तो कुर्बान कर देंगे, इसकी इज्जत पे आँच नहीं आने देंगे। आइए ज़रा कुरान का मुतालिया करता हूँ। मेरा ताल्लुक जमीयत इशाद तौहीद व सुन्ना से है। जिससे प्यार हो बंदा उसका तज़किरा भी ज़्यादा करता है। इशाद तौहीद मेरी रूह है, इशाद तौहीद मेरी जान है। मैं कभी कभी अपनी जमात की महब्बत में ये शेर पढ़ा करता हूँ, तुझसे लफ्ज़ों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तू मेरी सांसों में तहलील है खुशबू की तरह। हम मर तो सकते हैं, अपनी जमात के नज़रियात पे कभी सौदेबाजी और कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आइए ज़रा, इस जमात का ये मकाम है कि मुझ जैसा छोटा सा नलायक तालिब इल्म हो या बड़े बड़े उलमा हो, अपनी तकरीरों में रब के कुरान की आयात का इजहार करते हैं, अपनी बातें नहीं सुनाते। आइए, क्या मैंने बात की है? कुरान का पहला असर ये है, जिस दिल में ये कुरान आए शिर्क निकल जाता है, कुरान इनकलाब बरपा कर देता है। आइए ज़रा कुरान मजीद 29वां पारा सूरतुल जिन, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا كهدو سبحان الله مجھے واسے کہو سبحان الله अल्लाह फरमाते हैं, मेरे प्यारे पैगंबर, आप तो सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे जंगल में, आपके पीछे सहाबा खड़े हैं नमाज पढ़ रहे हैं, आप बड़ी खूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, सूरह ताहा पढ़ रहे हैं,
या सूरह अलक पढ़ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम को पता न चला जिन्नों की एक जमात वहाँ से गुज़र रही है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुतहर से कुरान मजीद की आयात सुनी, वहीं से वापस अपने इलाके नसीबैन चले गए। वहाँ जाके कहते हैं, ऐ जिन्नों की जमात, ऐ जिन्नों की गिरोह, ऐ जिन्नों के बड़े बड़े सिरदारों, आज वो राज, आज वो बात जो छुपी हुई थी वो हमारे सामने खुल गई है। पहले हम आसमान पे जाते, कोई हमें रोकने वाला नहीं था, अब आसमान पे जाते हैं, हमें वहाँ से रोक दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। उसकी वजह क्या है? आज हमने मक्कतुल मुकर्रमा में जंगल की वादियों के अंदर एक अल्लाह के बंदे से ऐसा कुरान सुना है जिस कलाम कुरान के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये जिन्नों ने कहा, और ये जिन कौन थे पता है? नसीबैन अरब का इलाका है, वहाँ से आ रहे थे और तिहामा की तरफ जाना था। मेरे वो भाई सऊदीया पलट जो बैठे हैं, जिन्होंने सऊदीया की सैर की है, तिहामा ये अबहा अलबाहा की तरफ बड़ा खूबसूरत इलाका है, मुझे भी एक बार देखने का मौका मिला। बड़े ऊंचे पहाड़ है, बड़े ऊंचे पहाड़। मेरा भाई उमर हंसेगा, इतने ऊंचे पहाड़ के अगर यूँ देखना शुरू करें तो मेरी टोपी पीछे गिर जाए। इतने बड़े कदावर पहाड़ हैं। उस इलाके में जिन जा रहे हैं, मक्कतुल मुकर्रमा में पहुँचे, नबी अलैहिस्सलाम उकाज के बाज़ार में जा रहे थे। रास्ते में नमाज का वक्त हो गया, वादी नखला में फजर की नमाज बाजमात पढ़ाई, और ये जिन्नों की जमात पीछे खड़ी है, कुरान सुन के अगला सफ़र बंद करके वहीं से वापस चले और जाके क्या कहते हैं? इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। ऐ जिन्नों की जमात, हमने आज एक बड़ा निराला कलाम सुना है, बड़ी हमने प्यारी जबान में, बड़ी प्यारी आवाज़ के अंदर हमने रब की आयात की तिलावत सुनी है। यारों, और तो हमें कुछ पता नहीं, एक फ़ायदा ये हुआ, वो कुरान इतना दिल पे असर किया कि आज हम ऐलान कर रहे हैं। पहले कोई मुश्किल पेश आती, हम गैरुल्ला की पुकार करते थे, पहले कोई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते, अल्लाह को छोड़ के औरों की पुकार किया करते थे, लेकिन आज के बाद हम ऐलान कर रहे हैं, लन नुशरिका बी रब्बिना अहदा। कुरान की ये तासीर है कि आज के बाद हम अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। कुरान की ये तासीर है कि जब दिल पे आए तो दिल से क्या निकल जाता है? शिर्क निकल जाता है। अल्लाह की ज़ात और सिफात से बंदा शरीक नहीं ठहराता। जिन्नों को समझ आ गई, आज के पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती। रिजक लेना हो तो अली हजवेरी के दरबार पर, औलाद लेनी हो तो शाह दौला के दरबार पर, खोटी किस्मतें खड़ी करवानी हो इस्लामाबाद बड़ी इमाम पे जाते हैं। आओ, जिन्हों ने सबक दिया, लन नुशरिक बि रब्बिना अहदा। जिस हस्ती का हमने ये कलाम सुना है, उस कुरान का तकाजा ये है कि हम हर मुश्किल में पुकार करें तो सिर्फ किसकी? अल्लाह। ऐसे नहीं, हाथ उठा के मेरे साथ रब का नाम बुलंद करना है। हाजत रवा सिर्फ कौन, मुश्किल कुशा सिर्फ कौन, बिगड़ी बनाने वाला सिर्फ कौन, मेरी और आपकी मुश्किलात में फंसी हुई कश्तियों को पार लगाने वाला सिर्फ कौन, महंगाई का तूफान आ जाए मददगार सिर्फ कौन, मेरी ऊपर मुसीबतों के पहाड़ आ जाए मेरी मुसीबतों को दूर करने वाला सिर्फ कौन है? ये जिन्नों ने सबक दिया, लन नुशरिक बि रब्बिना अहदा। कुरान सुन लिया है फिर भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं? मडियाला के नौजवानों, हाथ उठा के बताओ मुझे, कोई नबी कोई वली अल्लाह की ज़ात और सिफात में शरीक नहीं। अल्लाह कौन है? वहदहु ला शरीक है, उसकी ज़ात और सिफात में कोई भी शरीक नहीं है। मुझे एक बात का जवाब दे दें, मेरे बड़े प्यारे भाई मुजीब बैठे हैं, पहली दफ़ा शायद जुमा पढ़ने यहाँ आए हैं, मैं खुशामदीद कहता हूँ। मुझे बताएं, आपकी दुकान हो, आपका बंगला हो,
आपका प्लाट हो, अपने किसी दोस्त को अपनी जायदाद में हिस्सेदार बनाओगे, अपने दोस्त को अपनी जायदाद में शरीक बनाओगे? नहीं, जैसे हम अपने प्यारों को अपनी जायदाद में हिस्सेदार नहीं बनाते, अल्लाह भी अपने प्यारों को अपनी सिफात के अंदर हिस्सेदार नहीं बनाते। अब आइए, सवाल पैदा होता है, मेरे बड़े भाई महमूद साहब सवाल करते हैं कि अतारमान सर, कुरान ने मसले तौहीद पे इतना ज़ोर क्यों दिया है, कुरान ने मसले तौहीद को इतना क्यों बयान किया है? आइए उसका जवाब सुने। मसले तौहीद की बरकात बहुत ज़्यादा है, कहो बेशक। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ तीन बरकतें बयान करने लगा हूँ, वक़्त मुख्तसर है, तवज्जो मेरी जानिब, ज़रा दिल की खिड़कियाँ मेरी तरफ। तौहीद की बरकतें बहुत हैं भाई नदीम साहिब, मैं नमाज़ें पढ़ता रहूँ, मेरे अंदर तौहीद ना हो, ये मेरी नमाज मुझे कोई फ़ायदा नहीं देगी। मैं हज करता रहूँ, बैतुल्ला का तवाफ़ करता रहूँ, मेरे अंदर तौहीद ना हो, ये तवाफ़े बैतुल्ला मुझे कोई फ़ायदा नहीं देगा। अकीदा तौहीद की बरकत ये है कि बंदे को तीन जगहों पे अकीदा तौहीद ही ने बचाना है। तीन मौके ऐसे आएंगे, अकीदा तौहीद की बरकतें नज़र आएंगी। आइए पहली जगह, मैदान महशर। अल्लाह मुझे आपको उसकी सख्तियों से महफूज फरमा ले। मैदान महशर, वहाँ बड़ी परेशानी होगी, वहाँ अगर बरकात नज़र आएंगी तो अल्लाह की तौहीद की नज़र आएंगी। सुनिएगा ज़रा बात, अल्लाहु अकबर। आज सियासी लोगों की तारीफ़ की जाए बड़े खुश होते हैं, यारो मेरे रब की जब तारीफ़ की जाए तो मेरा रब कितना खुश होगा। सुनिए हदीस पाक सुनाने लगा हूँ। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु, बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था। हज़रत अबू मूसा रिवायत करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन मैदान महशर में जब लोग जमा हो जाएंगे, दुनिया में जो जिसकी इबादत करता था, कोई कब्र की इबादत, कोई मूर्तियों की इबादत, कोई पत्थरों की इबादत, कोई वडेरों की इबादत, उसी शक्ल की सूरतें बना के अल्लाह मैदान महशर में रख देंगे। ख्याल कीजिएगा, आप सब अहले तौहीद बैठे हैं, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आप में कोई ऐसा है जो अल्लाह के सिवा औरों को भी मुश्किल में पुकारता हो? कोई आप में ऐसा बैठा है जो अल्लाह के सिवा औरों के नाम की नज़र नियाज देता हो? नहीं बैठा, तो फिर खुश हो जाइए ये हदीस सुन के, आमाल जैसे भी हुए इंशाअल्लाह अकीदा तौहीद की वजह से निजात होगी। सूरतें बना के रख दी जाएंगी मैदान महशर में, ऐलान होगा, हाँ जी किधर हैं मूर्तियों की इबादत करने वाले, चले जाओ मूर्तियों के पास। वो दौड़ के मूर्तियों के पास जाएंगे कि शायद मूर्तियों ने आज बचाना है। जो कब्रों की इबादत करता था वो कब्र की शक्ल के पास चला जाएगा, जो दरख्त की इबादत करता था वो दरख्त के पास पहुंच जाएगा। पीछे रह जाएंगे अहले तौहीद, कह दो सुभान अल्लाह। अहले तौहीद खड़े हैं, हदीस में लफज हैं, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذات تنتظرون, जब सारे कुफार सारे मुशरिक अपनी अपनी मूर्तियों के पास पहुंच जाएंगे, दुनिया में वो जिन जिन की इबादत किया करते थे, अल्लाह फरमाएंगे पुकारो इनको, चले जाओ इनके पास। सारे अपनी अपनी मूर्तियों के पास पहुंच गए, कोई दरख्त के पास खड़ा है, कोई मूर्तियों के पास खड़ा है, कोई कब्र की शबी के पास खड़ा है। फ़यबका अहलु तौहीद, अहले तौहीद खड़े हैं, आवाज़ आएगी माज़ा तंतज़िरूना, अहले तौहीद मंडियाला वाले, गुजरांवाला के, लाहौर के, पाकिस्तान के, बर्रे आज़म एशिया के, पूरी दुनिया के जितने भी तौहीद वाले हैं सारे खड़े होंगे। फरिश्ता सवाल करेगा माज़ा तंतज़िरूना, बताओ अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वो सारे तौहीदी जवाब देंगे, इन्ना कुन्ना नअबुदु रब्बन इन्ना लना रब्बन, हमारा दुनिया में एक ही मुश्किल कुशा था, एक ही परवरदिगार था, एक ही हाजत रवा था, वो हाजत रवा हमें नजर नहीं आ रहा, वो मुश्किल कुशा हमें नजर नहीं आ रहा। मेरे आका फरमाते हैं अचानक पर्दे हटाए जाएंगे, अल्लाह की जात सामने नजर आएगी, सारे तौहीदी अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएंगे,
सारे तौहीदी सजदे में गिर जाएंगे और फिर वहाँ पता चलेगा मौलवी कहा करते थे, लोगों सजदों के लायक सिर्फ कौन है, पुकारों के लायक सिर्फ कौन है, मुश्किलात में काम आने वाला सिर्फ कौन है, इज्जत और जिल्लत देने वाला सिर्फ कौन है। तो वहाँ तौहीद ने बचाया या नहीं बचाया, तौहीद काम आई या नहीं आई, पर्दे हटाए गए। इसी को मेरा रब कुरान में कहता है, पर्दे हटाए जाएंगे सारे तौहीदी सजदे में। कहेंगे हम क्यों मूर्तियों के सामने सजदा करें, हम कब्रों के सामने क्यों झुकें। इन्ना लना रब्बन, हमारा तो दुनिया में एक ही दाता था, हमें ना अली हजवेरी दाता बनाने की ज़रूरत पेश आई, न बरी इमाम को बनाने की ज़रूरत पेश आई, न भावुद्दीन जकरिया को बनाने की पेश आई, न अजमेर शरीफ जाने की ज़रूरत पेश आई। इन्ना लना रब्बन, मेरी दुकान नहीं सी चल दी, मैं एक अल्लाह नू आवाज़ देना सा, मेरी मुश्किल आ जानियाँ सन, मैं सिर्फ रब को पुकारता था, वो रब किधर है। पर्दे हटाए जाएंगे सारे तौहीद, मैदान महशर में भी रब के सामने सरबसुजूद हो जाएंगे। ये है तौहीद की बरकत। तौहीद ने कहाँ हमें फ़ायदा दिया, मैदान महशर में। दुनिया में तौहीद का अकीदा बयान करो, पत्थर पड़ेंगे, फक्तियाँ कसी जाएंगी, मजाक किए जाएंगे, कांटों के हार बना के गलों में और पाँव में डाले जाएंगे, मगर इस तौहीद ने हमें कहाँ फ़ायदा देना है, मैदान महशर में। अब आइए दूसरा मकाम जहाँ मुझे और आपको तौहीद काम आएगी। अल्लाह हम सबको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दें, कहो आमीन। थके तो नहीं आप, बस कर दें, क्यों जिश्किल सर ऊँची आवाज़ से कह सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ, दूसरी जगह जहाँ तौहीद काम आएगी, मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, क़यामत के दिन कुछ ईमान वाले भी जहन्नम में जाएंगे, अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में दाखिल होंगे। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। लोगों ईमान की हालत में ये कभी ना सोचना जहन्नम में नहीं जाना होगा। जानी आदमी जहन्नम में जाएगा, शराबी जहन्नम में जाएगा, सूद खोर जहन्नम में जाएगा, बेटी और बहनों की विरासत में फ़र्क लगाने वाला जहन्नम में जाएगा, किसी की प्लाट और ज़मीन पे कब्ज़ा करने वाला जहन्नम में जाएगा। जी हाँ, और भी बड़े गुनाह हैं जो जहन्नम में लेके जाएंगे। जन्नती कुछ अहले ईमान भी जहन्नम में और काफिर भी जहन्नम में, आपस में सब इकट्ठे बैठे हैं, जहन्नमी भी और काफिर भी इकट्ठे बैठे हैं। काफिर ताना देंगे मुसलमानों को, ईमान वालों को एक ताना देंगे, चुभती हुई बात करेंगे। क्या कहेंगे, कहेंगे तुम्हें ईमान ने क्या फ़ायदा दिया, तुम्हें ईमान ने क्या फ़ायदा दिया है। अंतुम व नहनु फी दारिन वाहिदिन, हम भी जहन्नम में तुम भी जहन्नम में, तुम्हारे कलमे ने क्या तुम्हें फ़ायदा दिया है। मेरे प्यारे पैगंबर की हदीस है, अल्लाह की तरफ से ऐलान आएगा, अल्लाह फरमाएंगे ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरे जन्नती लोग जो अभी जहन्नम में आए हैं, अजाब और सजा मिलने के बाद जन्नत में जाना है, निकालो इन्हें जहन्नम से, जहन्नम से निकाला जाएगा। मेरे मटियाला के नौजवानों, हदीस पाक के लफज हैं, जब वो जहन्नम से निकाले जाएंगे, जहन्नम की आग की वजह से कल हम हमतिस सऊदा, सियाह कोयले की तरह उनका रंग हो चुका होगा। किसकी तरह, सियाह कोयले की तरह। अभी सूरज कितने हज़ारों के फासले पर है, इसकी गर्मी मुझसे और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जहन्नम की आग, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, जब ये चमड़े जल जाएंगे, अल्लाह फरमाते हम नए चमड़े चढ़ा देंगे, हम नए चमड़े चढ़ा देंगे, अजाब मिलता रहेगा। अब सुने, सियाह कोयले की तरह जहन्नमियों को बाहर निकाला गया, अल्लाह फरमाएंगे पकड़ो इन्हें, जन्नत के दरवाजे पर ले आओ, जन्नत के दरवाजे पे एक बड़ी खूबसूरत नहर होगी, जिसका पानी बड़ा मीठा, पानी बड़ा शफाफ, पानी का रंग बड़ा प्यारा। फरमाया उन्हें उसमें गुसल दिया जाएगा, बड़ा खूबसूरत रंग निकल आएगा, खुशबू आने लगेगी, चेहरा बड़ा मुनव्वर और रोशन हो जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे ये मेरे वो बंदे हैं जो अपने गुनाहों की सजा के लिए जहन्नम में आए थे, इनके दिल में मेरी तौहीद थी, आज मैंने तौहीद की बरकत से जहन्नम से निकाल के जन्नत का मेहमान बना दिया है। तौहीद की वजह से ये जहन्नम की, ये तौहीद की दूसरी बरकत है। जब ये जन्नती जहन्नम से निकल के जन्नत में जाएंगे, वहाँ काफिर मुंह देख रहे हैं,
اور اس وقت قرآن کی آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ جہنمی کیا کہیں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قیامت کے دن جب جنتیوں کو بڑے پروٹوکول سے جنت میں داخل کیا جائے گا، کافر رو رو کے اللہ سے کہیں گے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا، کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کفار اپنے کفر پہ دندنا رہے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں، بڑی جناب اکڑ سے سینہ دکھا کے مسلمانوں کو للکارتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کافر تمنا کریں گے کاش کلمہ پڑھ لیتے۔ مڈیالہ کے نوجوانوں، وہ کاش کام آئے گی؟ اجی واس سے وہ کاش کام آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو توحید کا دوسرا فائدہ یہ، ایک میدان محشر میں اس نے بچایا، دوسرا جہنم سے نکالا۔ آئیے ذرا تیسرا فائدہ سنیں، اللہ مجھے اور آپ کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے، کہو آمین۔ شوق تو مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے ڈائریکٹ جنت میں جانے کی، گھر سے چل کے مسجد میں نماز پڑھنے آتے نہیں اور مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جانے کا شوق ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نماز کیوں نہیں پڑھی یار؟ منو کم سی آج میں نہیں آ سکا۔ جانے کا شوق تو یہ ہے، میری بھی آنکھیں بند ہوں آپ کی بھی، اور جنت کے دروازے کھل جائیں، اور ہمت اتنی نہیں ہوتی کہ اذان ہو رہی ہے مسجد میں آ جائیں۔ نوجوانوں جو صبح سوئے رہتے ہو نماز نہیں پڑھتے، ہاتھ باندھ کے کہوں گا، ہاتھ باندھ کے کہوں گا، آپ کو اگر کسی جم میں لے جایا جائے، وہاں 5 کلو کا ویٹ تو بڑے شوق سے اٹھاتے ہو، تو اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہلکا سا کمبل اور چادر تیرے منہ سے نہیں ہٹتی اور تو نماز کے لیے نہیں آ سکتا۔ تو پہلوان ہے کیا؟ پہلوانی ہے تیری؟ جم میں جا کے اتنا وزنی چیز اٹھا لیتے ہو اور صبح نماز کے لیے اٹھنے کے لیے تیرے پاس الارم لگانے کی ہمت نہیں، چادر منہ سے اتار کے نماز کے لیے آنے کی ہمت نہیں۔ یاد رکھیں، پھر مجھے شکوا ہے، آپ کو شکوا ہے، برکت نہیں مل رہی، مجھے اور آپ کو شکوا ہے، معاملات کو سیدھے نہیں ہو رہے۔ جب ہم نے صبح پہلی حاضری رب کے دربار میں نہیں دینی تو کیسے معاملات سیدھے ہوں گے، کیسے برکت آئے گی؟ خیال کریں، جس گھر میں ایک بھی بے نمازی ہو وہ گھر نحوست کا ڈیرا ہے، وہ شیطان کا گھر ہے۔ ایک بھی گھر میں بے نمازی ہوا، گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا تو نے اس کو نماز کی تلقین کیوں نہیں کی تھی۔ آئیے تیسرا فائدہ توحید کا کیا ہے، جنتی جنت میں پہنچ گئے، میرے بھائی کیا منظر ہوگا، اللہ مجھے اور آپ کو جنت نصیب کر دے، کہو آمین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ جنتی لوگ آپس میں بیٹھے ہیں کرسیوں پہ، مسندوں پہ، اپنے اپنے ڈیروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ یارو ہم دنیا میں بڑا ڈرتے تھے، پتہ نہیں قبر میں کیا بنے گا، پتہ نہیں حشر میں کیا ہوگا، پتہ نہیں سوال و جواب میں کیا بنے گا۔ سارے جنتی آپس میں بیٹھ کے آپس میں مذاکرہ کریں گے، بحث کریں گے، باتیں کریں گے۔ اس وقت جنتی بول کے کہیں گے، اور یارو پتہ ہم جنت میں کیوں آئے؟ شاید میرے ذہن میں بھی آپ کے ذہن میں بھی یہ ہوگا کہ جنتی کہیں گے ہم نمازیں پڑھتے تھے، جنتی کہیں گے ہم روزے رکھتے تھے، جنتی کہیں گے ہم زکات دیتے تھے، وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن جنتیوں نے کہنا ہے، پتہ ہے ہمیں جنت کیوں ملی ہے، انا کنا من قبل ندعو، پتہ ہے جنت کیوں ملی ہے، ہم دنیا میں ہمیشہ اللہ ہی کی پکار کرتے تھے۔ جنتی بھی کہیں گے یہ جنت کیوں ملی ہے، توحید کی برکت سے۔ انا کنا من قبل ندعوہ، میرے سر میں درد ہوا تھا، دوست نے کہا تھا فلاں دربار پہ چل، میں نے کہا نہیں تھا مجھے شفائیں دینے والا اکیلا اللہ، میری دکان پہ کاروبار ماند پڑ گیا، دوستوں نے کہا فلاں کے نام کی نظر و نیاز دیں، میں نے کہا نہیں نہیں نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ ہے۔ میں مشکل میں پھنسا، میں نے رب کو پکارا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے رب کو پکارا، مڈیالہ میں بھی میں نے رب کو پکارا۔ تو جنتی کہیں گے یہ اسی پکار کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت کا مکین بنا دیا ہے۔ جنت بھی ملنی ہے تو کس وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے۔ مڈیالہ کے نوجوانوں، پھر میرا حق بنتا ہے میں آپ کو دعوت دوں، آج مجھے بتاؤ مذہبی جماعتوں میں
کون سی جماعت اللہ کی توحید زیادہ بیان کرتی ہے؟ اونچی آواز سے کون بیان کرتی ہے؟ اشاعت التوحید و سننا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ہماری جماعت کو جوائن کریں۔ ہماری جماعت کو جوائن کرنے سے، قبول کرنے سے آپ کو کوئی ٹکٹ نہیں ملے گا، ہاں اتنا ٹکٹ ضرور ملے گا کہ اس جماعت کے منشور کو ہاتھ میں پکڑیں تو جنت کا ٹکٹ ضرور مل جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا مشن ہے رب کی توحید، اور رب کی توحید کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ آئیے آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ توحید ہمیں سبق کیا دیتی ہے؟ توحید ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دے، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ توحید نے ایک سبق سکھایا، میری کوٹھی کچھ نہیں سب کچھ کون ہے، میری جوانی کچھ نہیں سب کچھ کون ہے، مجھے ناز اپنی کوٹھی پہ، بنگلے پہ، اپنی جائیداد پہ ہوگا یا رب کی رحمت پہ ہوگا؟ توحید ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا، اپنے اندر عاجزی پیدا کر لیں، جھکا دیں، کہو میں کچھ نہیں، کسی سے مقابلہ آیا میں کچھ نہیں، میرا رب ہی سب کچھ کرے گا، مجھے ناز کسی پہ نہیں ہونا چاہیے۔ مڈیالہ کے لوگوں، جو مغرور آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ابھی میں کراچی سے آ رہا تھا، جب ہمارا جہاز لاہور لینڈ کیا، میرے ساتھ ایک کمپنی کے افسر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی جان ایک بات کرنی ہے، بات کر لوں آپ سے؟ کہا جی مولانا بات کریں۔ میں نے کہا یہ جہاز نے ہمیں کیا سبق سکھایا ہے؟ بات تھوڑی سی مذاق والی ہے لیکن آپ سمجھیں گے نتیجہ اخذ جو میں نے کیا۔ میں نے کہا جہاز نے ہمیں کیا سبق دیا؟ کہتے ہیں کیا سبق ہے، ایک گھنٹے میں ہمارا کراچی سے لاہور کا سفر ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تو سہولت ہے، مجھے سبق بتائیں، ہمیں کیا یہاں سے سبق ملا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں بتا، آپ ہی بتا دیں۔ میں نے کہا جہاز دیکھنے میں کتنا بڑا ہے، اس کا وجود دیکھیں، آج پتہ نہیں قسم و قسم کے جہاز ہیں، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا دیکھیں کتنا بڑا جہاز کا وجود ہے، لیکن جوں جوں جہاز اوپر بلند ہوا لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا ہوا۔ جہاز نے ہمیں سبق دیا ہے، جو اسی طرح غرور کرتے کرتے اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اللہ اسے لوگوں کی نگاہوں میں گرا کے رکھ دیتے ہیں۔ میں فلاں سے رشتہ کیوں کروں، ان کی دولت اتنی نہیں، میں فلاں کو اپنی بیٹھک میں کیوں نہ بلاؤں، وہ بڑا کمزور ہے مالی طور پہ۔ جو کسی کو غرور کی بنیاد پہ حقیر سمجھتا ہے، یہ جہاز نے ہمیں سبق سکھایا، اپنے آپ کو اونچا کرو گے، بلند کرو گے تو لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹے ہو جاؤ گے۔ اللہ کی توحید کا سبق بھی یہی ہے کہ ہم نے عاجزی کرنی ہے۔ تکبر صرف کس کی چادر ہے، کبریائی کس کی چادر ہے؟ اللہ کی۔ یہ سبق ہمیں کس نے سکھایا؟ اللہ کے قرآن نے۔ آئیے آخر میں بحیثیت طالب علم اور اس مدرسہ کے خادم ہونے کے ایک قرارداد آپ سے منظور کروانی ہے۔ ابھی دو دن پہلے جڑاں والا فیصل آباد کی تحصیل میں جو وقوع ہوا ہے، انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، مسلمانوں نے ان کے چرچ کو آگ لگا دی، تورات کو جلا دیا، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ بحیثیت امن کمیٹی کے ممبر ہونے، تحصیل کاموں کی کے ممبر ہونے کے ناطے میں آج احتجاج ریکارڈ کرواتا ہوں، مسلمانوں نے بھی غلط کیا ہے، عیسائیوں نے بھی غلط کیا ہے۔ مجھے بتاؤ ہمارا مذہب اسلام، دین اسلام تورات کو جلانے کی اجازت دیتا ہے؟ مجھے آواز سے اجازت دیتا ہے؟ کسی کی عبادت گاہ کو جلانے کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو انہوں نے کیا وہ بھی غلط، جو انہوں نے کیا وہ بھی غلط۔ اس طرح اگر قانون ہاتھ میں لینے لگیں گے، ملک کا امن داؤ پہ لگ جائے گا، ملک کی سالمیت کو غیر مستحکم دیکھنا پڑے گا۔ میں احتجاج کرتا ہوں جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے، اداروں سے ہماری ریکویسٹ ہے اور ان سے گزارش ہے، ایسے لوگوں کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ تائید کرتے ہیں میرے ساتھ، ہاتھ بلند کریں۔ مجھے بتائیں قرآن کی بے حرمتی قبول ہے؟ تو پھر تورات کی بے حرمتی بھی کوئی قبول نہیں۔ مسجد کی بے حرمتی قبول ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کسی کی عبادت گاہ کی بھی بے حرمتی قبول نہیں ہے۔ مسلمانوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے جذبات کو ذرا کنٹرول میں رکھیں، اور ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم چاہے جتنے بھی گناہگار ہیں، ہم بیدار مسلمان ہیں، سوئے ہوئے نہیں، کسی صورت میں قرآن مجید کی بے حرمتی کو قبول نہیں کریں گے۔ اسلام کی عزت و ناموس کے لیے ہم اپنی جان قربان کریں گے، کبھی بھی بے حرمتی کو قبول نہیں کریں گے۔ اس بڑے مجمع کی وساطت سے میں ملک کے اداروں کو، چاہے وہ فوج کا ہو، پولیس کا ہو،
और दीगर जितने अमन व अमान के इदारे हैं हम इजहार यकजहती करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ के उनको सज़ा दी जाए ताकि ये काम लोग खुद ना करें। ये किसका हक है? इदारों का, इदारों का हक है वो ये किरदार अदा करें और लोगों को फौरी तौर पे ये सबक सिखलाएं कि जो काम हमारे ज़िम्मे है वो तुमने नहीं करना। अल्लाह ऐसे लोगों को, शर पसंद लोगों को अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। इन्हीं बातों पर इक्तफा करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागु।